हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आईएसपीएससी सॉल्यूशन। अब से थोड़ी देर पहले बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे नए अपडेट्स दिए गए। उसमें पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो खास रही, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने नई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, उन सब पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो क्या हैं, इनको एक बार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर उस पर एक छोटा सा चर्चा करेंगे ताकि आप लोग समझ जाएं कि आखिर आप लोगों के लिए क्या चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जो एक डिसीजन था कि जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होगा और इसमें आपको जो है वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा, इसमें परिवर्तन किया गया है। ठीक है, उसके पहले कुछ सिलेबस जो है वो डिफाइन किया गया है। जैसे बीपीएससी के चेयरमैन ने बात करी कि इस बार जो सिलेबस है वो क्या होगा, क्योंकि सिलेबस पे काफ़ी चर्चा हो रहा था और लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सिलेबस किस तरीके का होगा। तो प्राइमरी वाले के लिए बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया कि जो प्राइमरी के टीचर अभ्यर्थी हैं उनके लिए सिलेबस होगा, यानी 1 to 5 के लिए जो SCERT का जो बुक होता है, ठीक है ना, SCERT का जो सिलेबस है जो बिहार बोर्ड के स्कूलों में चलाई जाती है, वो सिलेबस जो है वो प्राइमरी के लिए होगा। तो एक चीज़ आप लोगों का क्लियर हुआ, प्राइमरी वालों का जो सिलेबस है वो SCERT को फॉलो करेगा। शिक्षक अभ्यर्थी, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सबको अब SCERT पे विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा। ठीक है, 9th-10th के लिए उन्होंने बताया कि ये NCERT को फॉलो करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के स्कूलों में भी NCERT का ही सिलेबस फॉलो होता है, इसलिए NCERT को फॉलो किया जाएगा। और 11th-12th के लिए भी सेम उन्होंने बताया कि NCERT को ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस जो है ना वो इन्होंने एकदम से क्लियर कर दिया है, 1 to 5 वाले SCERT का सिलेबस फॉलो करें, 9th-10th वाले जो हैं वो आपको NCERT का सिलेबस फॉलो करना है, 11th-12th वालों को भी NCERT का सिलेबस ही फॉलो करना है। 6 to 8 का वैकेंसी अभी नहीं आया है, जब आएगी तब उसका देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, सिलेबस क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ इन्होंने क्लियर की कि जैसे टाइम को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा था। ठीक है, टाइम को लेकर पहले क्या था, पहले समय दिया गया था जिसमें यह बताया गया था कि 2 आवर का पेपर होगा और इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया कि चूंकि लैंग्वेज का पेपर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए इसमें तो कोई छेड़छाड़ इन्होंने नहीं किया है, ये जैसे पहले था वैसे ही है, आपको 2 घंटे का समय है और आराम से आपको पेपर करना है। ठीक है, लेकिन जो GS का पेपर, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि जो एक सब्जेक्ट वाला पेपर था, उसमें इन्होंने चेंज किया है। ठीक है, GS वाला जो पेपर होगा वो अब 150 ना होकर के 2 आवर में आपको 120 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस जो हैं वो कम कर दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया 30 क्वेश्चन कम कर दिया गया है GS में। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि 9th-10th और 11th-12th के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें एक सब्जेक्ट पढ़ना होता था, जिसमें पहले क्या था, पहले का जो फॉर्मेट था उसमें 100 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट से आने वाले थे और 50 क्वेश्चन जो है वो आपको GS से आने वाले थे और 100 जो है ना वो सब्जेक्ट से आने वाला था। अब इसमें कमी कर दिया गया है, ये 100 के जगह पे अब 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 के जगह पे आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह से टोटल जो पूछा जाएगा वो 120 पूछा जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट से यहाँ पर आप लोग देख लें कि सब्जेक्ट से आपका 80 क्वेश्चन होगा और GS से आपका 40 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सिलेबस आपको पता चल गया, क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ये भी आपको पता चल गया, यानी कि अब 120 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा और 120 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं, इनको कम कर दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, आपको ज़्यादा खुश होने की यहाँ पर टाइम नहीं दी गई है, आप यहाँ खुश होंगे थोड़ी देर बाद में, आपको हो सकता है बहुत सारे लोग इससे नाखुश भी हो जाएंगे कि कंपटीशन बढ़ा दिया गया है। जैसे इन्होंने बताया है कि जो अपेयरिंग के स्टूडेंट हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, तो जो अपेयरिंग में है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो खुश होने वाली उनके लिए बात हो गई,
कि अब वो भी एलिजिबल हैं, इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। बट जो लोग ऑलरेडी टीचर हैं या फिर जो लोग वेल क्वालिफाइड हैं, मतलब पहले जो लोग चर्चा कर रहे थे कि सिर्फ वही पेपर दे सकते हैं, अब उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो टफ होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एक चीज़ और उन्होंने यहाँ पे क्लियर की है कि STET से जो भी अभ्यर्थी ने STET से जिस भी सब्जेक्ट में पास किया है उसी सब्जेक्ट को उनको चुनना पड़ेगा इस वाले टीचर वैकेंसी में, ठीक है। STET में जो भी सब्जेक्ट आपका है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वही चुनना पड़ेगा। जैसे आपने अगर हिस्ट्री लेकर के पढ़ा है तो आपको हिस्ट्री ही चुनना पड़ेगा, अगर आपने इंग्लिश लिया है तो आपको इंग्लिश ही चुनना पड़ेगा, हिंदी लिया है तो हिंदी चुनना पड़ेगा, SST लिया है तो SST चुनना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अभी कुछ और अलग हम लोग इसमें से चुन लेंगे, ठीक है। इसमें बस एक सब्जेक्ट में छूट दिया गया है, वो है कॉमर्स का, ठीक है। कॉमर्स में उन्होंने ऑप्शन दिया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट कॉमर्स लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इसमें छूट दिया गया है। ये विज्ञापन में क्लियर लिखा होगा, कॉमर्स के किसी भी एक सब्जेक्ट को चुना जा सकता है, तो कॉमर्स वाले जो हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, आप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, सिलेबस को हम लोगों ने समझ लिया है, टाइम को हम लोगों ने देख लिया है कि अब 120 क्वेश्चन और 120 मिनट। सिलेबस में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उन्होंने जो पहले बताया था जैसे 9th-10th का जो NCERT का बुक फॉलो करना है वो आपको कहाँ तक करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन तक करना पड़ेगा, प्राइमरी के लिए आपको इंटर के लेवल तक जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिलेबस जो है वो SCERT का होगा लेकिन लेवल जो है वो आपको बता दें कि इंटर तक का होगा। इसका सिलेबस NCERT का होगा 9th-10th का, लेकिन इसका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन तक होगा। 11th-12th का जो सिलेबस होगा वो NCERT से कवर किया जाएगा लेकिन लेवल जो होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक होगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद में आपका ये भी क्लियर हो गया कि आपने अगर STET जिस भी सब्जेक्ट से पास किया आपको उसी से टीचर इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, टीचर भर्ती वाले में। और जो लोग कॉमर्स से हैं सिर्फ उनको छूट दी गई है कि वो किसी भी एक सब्जेक्ट को जो कॉमर्स में उनका था उसको चुन करके कर सकते हैं। अगर आप SST से हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं सिर्फ ज्योग्राफी या सिर्फ पॉलिटी या सिर्फ हिस्ट्री से दूंगा, आपको SST से ही देना पड़ेगा, यानी सब मिला करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो इसमें बोली गई है वो है अपियरिंग कैंडिडेट के बारे में, ठीक है। अपियरिंग कैंडिडेट के बारे में यानी कि जो लोग अभी अपियर करने वाले हैं या फिर अभी अपियर कर चुके हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने एक कट ऑफ डेट बताया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 31st August 2023, इस डेट तक जिनका भी पेपर जो है ना, जो भी अभी पेंडिंग में चल रहा है, जो भी टेक्निकल पेपर होता है टीचर से रिलेटेड, अगर किसी का भी हो गया है या फिर इसके पहले तक हो जाए, ठीक है ना, इसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिनका पेपर जो है ना वो 30 अगस्त को होता है, ठीक है, 30 अगस्त 2023 को होता है उनका पेपर, तो वो भी पेपर में अप्लाई कर सकते हैं टीचर वाले भर्ती में, क्योंकि 31 अगस्त से पहले आपका जो परीक्षा है ना वो हो जाना चाहिए, एग्ज़ाम आपका हो जाना चाहिए, भले ही उसका रिजल्ट आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम बस होना चाहिए, ठीक है। तो अपीयरिंग का मतलब ये हुआ। इसमें बहुत लोगों को डाउट होगा कि जैसे मेरा पेपर जो है वो जुलाई में होने वाला है, अगर जुलाई में नहीं हुआ अगस्त में हुआ तो इस डेट के पहले हो गया तो आप पेपर देंगे, अगर इस डेट के बाद में हुआ तो आप पेपर नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और चर्चा की गई। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला गया कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो फॉर्म अप्लाई करने के पहले जितने भी आपके संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं सबको आप रेडी रखेंगे, बाद में आप बनवाएंगे तो वो नहीं माना जाएगा। जैसे क्रीमी लेयर डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले ही ये दावा कर देते हैं कि मैं क्रीमी लेयर से संबंधित हूँ, ठीक है, ये उनका दावा हो जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तब जा करके वो फिर क्रीमी लेयर बनवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो रद्द कर दिया जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। आपको एप्लीकेशन डालने से पहले आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऐसा उन्होंने साफ बोला है और बार बार इस पे जोर दे करके बोला कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाएं उसके पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन में बोले गए हैं सब आपके हाथ में होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति EWS से संबंधित है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है
लेकिन आप फॉर्म फिल किए और उसमें दावा कर दिया कि मैं ईडब्ल्यूएस हूँ। हालांकि आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो आपको आपकी जो अर्हता है वो रद्द कर दी जाएगी, आप डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बाद में बना हुआ है, आपने अप्लाई पहले कर दिया। तो अनुमान पे अप्लाई नहीं कीजिए, अभी भी आपके पास समय है, फटाफट से अगर आप जिस भी कैटेगरी से हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपका ज़रूरी वाला है सब चीज़ बनवा लीजिए। और नोटिफिकेशन के बारे में इन्होंने बोला है कि नोटिफिकेशन जो है ना वो कल तक आ जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन कल तक आ जाएगा, यानी उन्होंने बताया कि इस मंथ के एंड होने से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। उन्होंने तो ऐसा बोला कि हो सकता है आज देर रात तक ही चला जाए या फिर कल तो चला ही जाएगा, तो नोटिफिकेशन जो है ना वो कल आ सकता है, ठीक है। सभी लोग तैयार रहेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स से बिल्कुल भी आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, वरना आप मेहनत करके क्वालिफाई होकर के लास्ट में जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की गलती कभी ना करें। बाकी सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, जो जो मेन चीज़ें जो है ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है सबको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया, टाइम कैसे मैनेज किया गया है उसका हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि STET में जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसी सब्जेक्ट से आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉमर्स वाले के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। अपियरिंग कैंडिडेट के बारे में भी बताया गया है कि जो 31 अगस्त 2023 से यानी 31 अगस्त 2023 तक जिनका भी पेपर हो जाता है वो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, वो पेपर दे सकते हैं। आप अभी अप्लाई कीजिए, आपका अनुमान है कि मेरा 31 अगस्त तक पेपर हो जाएगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद में अगर 31 अगस्त तक आपका जो है वो एग्ज़ाम हो गया तो आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, अगर नहीं हुआ तो आप नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है, ये इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। बाकी अगर किसी तरीके का आपका डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर अगर बहुत सारे डाउट्स आएंगे तो उस पर हम लोग, ठीक है ना, अलग से एक वीडियो बना करके उसको क्लियर करेंगे। बाकी जो देखिए एलिजिबिलिटी का है कि कौन फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं वो तो नियमावली में लिखा हुआ है, आप वहाँ से एक बार देखिएगा पढ़िएगा, उसमें किसी तरीके का फेरबदल नहीं किया गया। आज की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं, किसी तरीके का डाउट हो कमेंट में लिखिएगा, कम डाउट होंगे तो कमेंट में ही उसको आंसर कर दिया जाएगा, अगर बहुत सारे डाउट्स आएंगे तो अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिर अगले अपडेट में मिलेंगे, थैंक यू सो मच।